हाँ दोस्तों, बिहार में शिक्षक की भर्तियां भर भर के आ रही है। टोटल इस बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, टोटल 40,000 वैकेंसी के लिए। तो इस टॉपिक में वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो इस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, या तो इस वीडियो के लास्ट में पोस्टर आएगी, उस पोस्टर क्लिक करके आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताने आया हूँ जो बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है आप सभी लोग के लिए, सिर्फ और सिर्फ बिहारी वासियों के लिए। यानी कि दोस्तों, तो कहने का मतलब है कि बिहार में भी जो लोग अदर स्टेट के होते थे वो लोग टीचर बनकर अपना जॉब करते थे, लेकिन दोस्तों फाइनली सरकार के द्वारा एक नीति लाई गया है जो है डोमिसियल नीति। ये डोमिसियल नीति फाइनली बिहार में भी लागू कर दिया जाएगा। तो इससे कि अदर स्टेट वाले बिहार में टीचर नहीं बन पाएंगे, अदर स्टेट वाले जितने भी सीटेट स्टेट क्वालिफाई हैं वो लोग बिहार के शिक्षक वैकेंसी में फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। यानी दोस्तों, जो भी वैकेंसी आएगी बिहार में वो डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ ओनली बिहारी वासियों के लिए होगी। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ आप सभी के लिए। तो इसी न्यूज़ के साथ आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूँ इस तरह का वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। जहाँ दोस्तों देख सकते हैं, चलिए दोस्तों इसी तरीके सारी बातें जान लेते हैं। दोस्तों ये रहा इन्फॉर्मेशन, जहाँ आप देख सकते हैं बिहार शिक्षक बहाली में डोमिसियल नीति लागू होगी। जहाँ देख सकते हैं प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक में हो रही बहाली में बिहार के छात्र डोमिसियल नीति की मांग कर रहे हैं। बाहर के राज्यों में बिहार निवासी छात्रों का नियोजन नहीं हो पाता है क्योंकि दूसरे राज्य में डोमिसियल नीति लागू किया हुआ है। तो दोस्तों देखते हैं, बिहार जितने भी छात्र हैं वो दूसरे स्टेट में जाते हैं शिक्षक बनने के लिए, तो उनको नहीं भर्ती किया जाता है क्योंकि अदर राज्य में डोमिसियल नीति अपनाया गया है। डोमिसियल नीति करने का मतलब है कि वहाँ के लोग वहीं के शिक्षक बन पाएंगे, अदर वाले नहीं बन पाएंगे। दोस्तों इसी तरह से बिहार में ये डोमिसियल नीति लागू नहीं किया हुआ था, लेकिन दोस्तों फाइनली अब बिहार सरकार भी बिहार में डोमिसियल नीति लागू करने वाली है, जहाँ पर अब बिहार में भी सिर्फ बिहार वाले ही लोग टीचर बन पाएंगे, अदर स्टेट वाले नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों जितना भी दोस्तों ये खुशखबरी की बात है कि बिहार में जितने भी लोग हैं जो सीटेट क्वालिफाई हैं, बीटेट क्वालिफाई हैं, स्टेट क्वालिफाई हैं, वो सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। दोस्तों इसी खुशखबरी के साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। बस दोस्तों मैं आपसे एक ही चीज़ की डिमांड करता हूँ, वो लाइक। आप लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूँ इस तरह का वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। प्लीज़ तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि दूसरे राज्य में डोमिसियल नीति लागू है जिसमें वही के छात्र जो सीटेट या राज टेट पास हैं उनका ही नियोजन हो पाता है। इसका दूसरा कारण यह भी है कि बिहार के छात्रों का एकेडमिक अंक अन्य राज्यों की तुलना में कम होती है, क्योंकि अन्य राज्यों के बच्चे ज़्यादा मार्क्स उठाते हैं। अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार को जल्द से जल्द डोमिसियल नीति बनानी चाहिए, ताकि बिहार निवासी सभी सीटेट एवं बीटेट उत्तीर्ण छात्राओं लाभान्वित हो सकें। तो दोस्तों देख सकते हैं, फाइनली बिहार सरकार बता दिया है कि जल्द से जल्द बिहार में डोमिसियल नीति लागू कर दी जाएगा, जिससे कि जितने बिहार के निवासी हैं, बिहार के छात्र छात्राएँ हैं, जो लोग सीटेट टेट क्वालिफाई हैं, जो लोग सीटेट टेट को बीटेट क्वालिफाई हैं, उन सभी लोग को ये बहुत ज़्यादा लाभान्वित मिले, ताकि वो लोग बिहार में शिक्षक बन पाए। दोस्तों ये थी आज का इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आई थिंक मैं सारी बातों क्लियर कर चुका हूँ। अगर अभी भी किसी पर डाउट आ रही है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी कमेंट का पर्सनली आंसर दूंगा। अगर दोस्तों तो मिलते हैं आपसे, और दोस्तों अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों साथ, व्हाट्सअप, फेसबुक ग्रुप में, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ पर फिर अदर गवर्नमेंट फॉर्म के बारे में बताने होंगे या इसी तरह का अपडेट देना होगा। तब तक अपना ख्याल रखना।